हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो वीडियो स्टार्ट होने के पहले जो आपने देखा पोस्टर बिल्कुल सही था। सो वीडियो स्टार्ट होने के पहले जो आपने ये नोटिस देखा वो बिल्कुल सही है। जो हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो छठ होता है बेटे गाँव में, वो इस बार नहीं होने वाला है, मतलब कोरोना की वजह से। तो मतलब ऐसा सोचने को कभी सोचा ही नहीं था, ऐसा कभी छठ नहीं मनाएंगे। अभी देखो इस साल कैसे छठ मनाएंगे। ये देखा तो पढ़ लो अच्छे से, उसमें लिखा है कि इस बार हम लोग के यहाँ ग्राम पंचायत ने लगाया है कि इस बार जहाँ छठ होता है हम लोग का रेगुलर, हमारे सिटी का, बोईसर सिटी का बेटे गाँव मतलब घाट एक, वहीं पे होता हर साल। मतलब हज़ार लाखों की तादाद में पब्लिक आती है और वो इस साल नहीं होगा। मतलब दिल से लगता है भाई, जो बोलते हैं ना हर साल देखते इसको नहीं देखने को मिलेगा, एकदम अलग सा लगता है। तो इस साल क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, कुछ मालूम नहीं है। सो गाइज, अभी लगभग बज रहे 5, साढ़े 5 बज गए। अर्घ मतलब जो बोलते हैं छठ पूजा मेन रहता है देने के लिए, उसका टाइम हो चुका है। और हम लोग काफ़ी अलग अलग स्पॉट पे देखा, मतलब जैसे छठ मना रहे हैं अलग अलग, मतलब ऐसा मज़ा तो है नहीं हर साल जैसा, लेकिन काफ़ी अलग स्पॉट है। चलते हैं और थोड़ा देखते हैं वहाँ कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम लोग पहले स्पॉट पे आए, मतलब पहले ऐसे तो बहुत सारा देखे लेकिन ऐसा प्रॉपर देखने के लिए पहले स्पॉट पर। और ये काफ़ी बड़ा है, मतलब हमारे गणेश नगर एरिया में सबसे बड़ा स्पॉट ये है। मतलब बड़ा, मतलब स्विमिंग टाइप बना है, स्विमिंग पूल टाइप बना है, काफ़ी भीड़ है यहाँ पे। पहले यहाँ चलते और पहले मास्क लगाते, फिर चलते वहाँ पे मास्क लगा ले। ये रहा अपना, मतलब थोड़ा बड़ा है, स्विमिंग पूल टाइप है, बड़ा 10-15 फुट का है। मतलब अर्घ देने के लिए बनाया गया है। सूरज भगवान इधर सामने सनसेट होगा तो इधर खड़े होके, और सुबह भी खड़े होके नहीं, सुबह उस साइड से, तो सुबह मतलब उस साइड मुँह रहेगा उगेंगे तो, और शाम के टाइम इधर फेस रहता है सबका, ताकि जब सनसेट होता है तो इस साइड खड़े होकर अर्घ देते और सुबह के टाइम उधर खड़े होकर देते अर्घ। और काफ़ी मतलब बड़ा यहाँ भीड़ है पूरा, काफ़ी मात्रा में। सो गाइस, यहाँ मतलब काफ़ी मात्रा में भीड़ है तो यहाँ थोड़ा अच्छा लगा। मतलब जहाँ भीड़ रहता है ना, बहुत जान कहते हैं, थोड़ा देखने में मज़ा आता है। तो इन लोग भी आए तो देखे, इन लोगों को काफ़ी अच्छा लगा। बोल रहे यहाँ पे सबसे बड़ा है, क्या बोलते हैं, गणेश नगर का। और रात के टाइम लाइटिंग है तो और काफ़ी अच्छा लगेगा। फ्रेम में आपको काफ़ी भरा दिख रहा होगा, चारों साइड आदमी है। और लगभग गड्ढा इतना बड़ा है, मतलब 10-15 ने एक साथ अर्घ दे सकते हैं। सो गाइस, ये सेकंड स्पॉट था। यहाँ पे स्पेशली ज़्यादा भीड़ नहीं था क्योंकि ज़्यादा लोग कर नहीं रहे यहाँ पे, तो कम भीड़ था उस मुकाबले, जहाँ हर जगह के मुकाबले। और देखो इधर पानी पूरी अंकल घूम के खिला रहे सबको। तो यहाँ काफ़ी कम भीड़ था बाकी जगह के मुकाबले। अभी और आगे देखते हैं तीसरे चौथे स्पॉट पे कैसा है, क्या कैसे मना रहे, सेलिब्रेट कर रहे हैं। सो गाइस, अभी यहाँ इधर इसके बिल्डिंग पे ऐसी होम के, इसके बिल्डिंग के नीचे भी काफ़ी क्राउड है तो शूट नहीं कर पाया। अभी नीचे दिखाते हैं यहाँ से कैसा सीन है यहाँ का। और पीछे देखो सनसेट भी हो गया है, देखो सनसेट हो ही गया पीछे लगभग। और ये तो दिन भर घर में बैठा रहता है, निकलता तो है नहीं। सो गाइस, ऐसा सीन है शिवम के बिल्डिंग का। और पूरा पानी अर्घ देने के लिए इस साइड सुबह के टाइम इस साइड रहता है और शाम के टाइम इधर। और इधर काफ़ी अभी आंटी लोग बैठे कर रहे हैं, आंटी लोग इधर पूजा कर रहा है। क्राउड देख सकते हो आप कितना सारा है, तो नीचे में शूट नहीं कर पाया। तो ऐसा सीन है, सब जगह छोटा। और देखो उधर कुछ लोग टेरेस पे कर रहे हैं, उधर दिख रहा है आपको, तो उधर कुछ लोग टेरेस पे कर रहे हैं ऊपर। सो अभी पूरा सनसेट हो गया और काफ़ी लोग अर्घ देख हट रहे, उधर टेरेस पे हो रहा है, उधर टेरेस पे हो रहा है, और हमारे पीछे इधर भी हो रहा है। आंटी लोग इधर पूरा तालपत्री डाल के अच्छे से पानी डाल के जमाया उसमें, जैसे छोटा जहाँ जिसको जैसा हो रहा है वैसा कर रहे। हम लोग कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते क्या, मर जाएंगे हमको दूर। तो गाइस, अभी शिवम ने नया ट्राइपॉड लिया है, मेरे को आया था सजेशन। तो गाइस, आप लोग के लिए स्पेशल साउंड कम कर रहा है उसका, तो ये मेरे सजेशन में आया था। तो मेरे को लगा शिवम नहीं लिया तो उसको सुबह से बढ़ा दिए लोग साउंड। ये लोग सुधरेंगे ही नहीं। तो मैंने शिवम को बोला ये ले ले, तो उसने ऑर्डर किया तो ये आया। इसका डीजी टेक का देखो, डीजी टेक का मिनी ट्राइपॉड है। तो देखते कैसा क्या है अंदर से। और कुछ नहीं क्या, सब फेंक दिया ना। पहले अनबॉक्सिंग कर लिया ये। और देखो ऐसा कुछ रहेगा, इसकी तीन टांग रहेगी। ट्राइपॉड है तो तीन टांग रहेगा इसका। देखो ऐसा रहेगा, ऐसा रख सकते हैं इसको। और ये बॉल है उसका, कहीं फिक्स कर सकते हैं। और ये भी खुलता है इसका। अगर आपको फ़ोन नहीं लगाना है तो DSLR लगा के ब्लॉग कर सकते हैं इसके ऊपर। 3 kg तक वेट उठा सकता है। कौन सा ये? और ये नीचे वाला भी एक्सटेंड होता है, देखो काफ़ी अच्छा है ये। और यहाँ से भी एक्सटेंड हो जाएगा, मतलब बड़ा हो जाएगा काफ़ी। यहाँ से फिट कर सकते हैं, यहाँ से फ़ोन लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ से कैसे लगेगा? टेढ़ा फ़ोन लगेगा। हाँ। तो टेढ़ा फ़ोन लगेगा ये बोल रहा है। मैं तो यूज़ किया नहीं हूँ, ये यूज़ किया है कि नहीं पता नहीं। सो अगर ये आपको अच्छा लगा होगा या फिर कोई देख रहा है आपको चाहिए रहेगा तो बनाएगा, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में बाय कर सकते हो। थोड़ा हम लोग भी कुछ कमा लेंगे उससे। और पूरा प्रॉपर अब सनसेट हो चुका है, दिखाता हूँ आपको मैं। तो ये देखो पूरा सनसेट हो चुका है, पूरा काला काला अंधेरा छा चुका है। और ये अपनी बस्ती रही, गणेश नगर की बस्ती हटा। और वो पहाड़ देखो पूरा कोहरा से मतलब ढक चुका है। काफ़ी हम लोग नेचर के करीब रहते हैं यहाँ से। और देखो पूरा जंगल जंगल, लेकिन धीरे सब कट रहा है। और धनाई नगर पूरा हो गया। वहाँ से भी काफ़ी आवाज़ आ रहा है। देखो उधर रॉकेट छोड़े, फूट गया रॉकेट ऊपर। तो कुछ ऐसा है। और उधर तो पूरा राइस शिगा हुआ। आपको तो पूरा लॉकडाउन उधर ही आपको ब्लॉग बना के दिखाया हम लोग, पूरा राइस शिगा हुए हो। देखो धमाका सुन ही रहोगे आप। और काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि इतने से व्लॉग क्यों नहीं आ रहा था। तो अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो किया हुआ तो मालूम होगा आप लोग को क्यों व्लॉग नहीं आ रहा था हम लोग का। क्योंकि हम लोगों ने कुछ नया एक बिज़नेस डाला था। और वो बिज़नेस क्या था मैं तो बता सकता हूँ, क्योंकि आप लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो क्यों नहीं करते हो। जाओ फॉलो करो, देखो ये नाम यूज़र नेम में जाके फॉलो करो फटाफट। सो गाइस नेक्स्ट डे, और सबको गुड मॉर्निंग। मतलब छठ पूजा का नेक्स्ट डे सुबह सुबह पूरा अंधेरा चारों साइड। हम लोग इधर एक लाइट मिला था वहाँ पे, इसके लिए व्लॉग कर रहे हैं। और सामने थोड़ी दूर में छठ घाट। और टाइम कितना दिखा देता आपको, टाइम देखो 5:52 हो रहा है, 5:32 हो रहा है। मतलब एक्चुअली 4 बजे आना चाहिए, तो हम लोग लगभग 1.5 घंटा लेट हो चुके हैं ये भाई साहब की वजह से। तो हम लोग थोड़ा और भी थोड़ा घूम के आए। और जो हम लोग का मेन है इधर, जहाँ आपको कल दिखाया शाम को, चलते देखते क्या सीन है कैसा है। मज़ा तो उतना है मेरे को एक्चुअली नहीं आ रहा, क्योंकि जो एक्चुअल प्रॉपर घाट का मज़ा, मेला लगता है, घूमते खाते पीते, वो मज़ा नहीं है। पर देखते कोविड है तो उसकी वजह से थोड़ा हम लोग क्या बोलते हैं सहना पड़ेगा। मतलब थोड़ा साथ देना पड़ेगा गवर्नमेंट को भी। और थोड़ा सो गाइस हम लोग फाइनली आ चुके हैं इधर घाट पे। अभी धीरे धीरे जो जो आंटी लोग करना है हम लोग आ गए। और ऐसा कुछ ही नहीं, सब अपना पूजा कर रहे लेके दिख रहा आपको। तो गाइस जो अभी अपने थोड़े देर पहले अंकल को देखा, मतलब वो ऐसा करते हैं, मतलब आदमी लोग भी छठ करते हैं तो उसका मन्नत रहता है। उन लोग ऐसा करते हैं छठ आदमी लोग में। और अभी हम लोग यहाँ आके छठ देखेंगे शिवम किधर का। तो इधर भी लगभग अर्घ का टाइम हो गया, आंटी लोग पानी में उतर गए। और जो टाइमलेस चालू है, तो आप टाइमलेस इंजॉय करो।